Dear students, as you know, yesterday we have completed our topic 1.5 joints of unit 1, the human body. So today we are going to complete the exercise of topic 1.5 joints and also the topic 1.4 bones. So the question answers are: question number 1, why do you have bones? आप bones क्यों हैं आपकी body में? Why do you have bones? Bones क्यों हैं आपके पास? क्या reason है, क्या function है उनका body में? Bones हमारे लिए हैं क्यों important? तो the answer is, bones make up the framework of our body. Bones हमारे लिए इसलिए important हैं क्योंकि वो हमारी body का जो है वो framework बनाती हैं, हमारी body को एक shape provide करती हैं, पूरा एक frame होता है. देखें यहाँ पर ये एक पूरा frame है जो हमारी body को बिल्कुल सीधा रखता है, हमें खड़े होने में मदद देता है. अगर ये ना हो तो हम बिल्कुल एक ढेर की तरह एक साइड पे पड़े हों. तो ये हमें इसलिए help करता है कि ये हमारी पूरी एक shape बनाता है body की, जो हमारी bones होती हैं. ठीक है, तो इसलिए bones जो हैं वो हमारी body में बहुत ज़्यादा importance रखती हैं. Why is it important to have strong bones? ये क्यों ज़रूरी है कि हमारे जो जिस्म में bones हैं वो मज़बूत हों, strong हों? It is important, ये इसलिए ज़रूरी हैं to have strong bones, के हमारी bones जो हैं वो मज़बूत हों. Because क्योंकि bones protect internal parts of our body. Bones जो हैं वो हमारे अंदरूनी हिस्से जो जिस्म के होते हैं उसको महफूज रखता है. इसलिए bones जो हैं वो हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा important हैं. ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? जैसे कि skull हमारे brain को protect करता है, ribs हमारी lungs और heart को protect करते हैं. इसलिए अगर वो strong होंगे तो अगर अल्लाह ने करे कहीं चोट लगती भी है तो उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा अगर वो स्ट्रांग होंगे. और अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगी तो कहीं पे हल्की चोट से भी हमने बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है. इसलिए हमारी बोन्स को स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चंस थे. पेज नंबर 11 पर ये हमारे सिर्फ यही दो क्वेश्चंस थे. तो हम लोगों ने अपनी जो है वो एक्सरसाइज भी कम्प्लीट कर ली है. अब आप अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें. आपका होमवर्क है, आपने ये जो दो क्वेश्चंस पढ़े हैं इसको आपने जो है अपनी रफ कॉपीज़ में एज अ प्रैक्टिस लिखने हैं ताकि आपको याद भी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए. तो राइट द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2 इन योर रफ कॉपीज़ ऑफ यूनिट 1 टॉपिक 1.5 ऑन पेज 11. पेज 11 पर जो आपके ये दो क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने पढ़े इसको आपने जो है वो रफ कॉपीज़ में लिखना है 2 times ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको याद भी हो जाए. फिर आपने लिखने के बाद इनको याद भी करना है विद स्पेलिंग्स. ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. वी विल मीट इंशाल्लाह tomorrow with our last topic of unit 1, muscles. okay, ये हमारा last topic होगा muscles. ठीक है, on page 12. so kindly take care of yourself. Allah Hafiz.